और अब खबर बिहार से है, जहां के नवादा जिलों में इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। वायरल वीडियो में प्रेमी युगल दिख रहा है, जो मुखिया पर जान से मारने की धमकी देने और उनके परिजनों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा रहा है। वायरल वीडियो में लड़की अपना नाम निशा बता रही है, जो कि जिले के पकरी बरामा थाना क्षेत्र के धेंधवा पंचायत के राजवरिया गांव की रहने वाली है। वहीं वीडियो में दिख रहे युवक ने खुद को नीतीश कुमार बताया है, जो जिले के कोनंदपुर पंचायत के थालपोस गांव का रहने वाला है। वीडियो में दोनों काफी डरे सहमे नजर आ रहे हैं। प्रेमी युगल का कहना है कि दोनों अपने परिवार की मर्जी से प्रेम विवाह किए हैं, उनके विवाह से परिजनों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की के गांव के मुखिया संदीप राजवंशी, सिंटू कुमार और रंजीत कुमार उसे और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हैं, इसके साथ ही मारपीट भी करते हैं। मुखिया की धमकी से सहमे प्रेमी युगल ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। वहीं संबंध में जब पकरी बरामा थाना अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है। वहीं इस बारे में जब मुखिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लड़की उनकी भतीजी है। उन्होंने कहा कि हमने प्रेमी जोड़े से अपील की थी कि वो हमारी इज्जत और सम्मान को देखते हुए ऐसा काम नहीं करे, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि है, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन उन्होंने दोनों को किसी तरह की कोई धमकी नहीं दी है। वीडियो में जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। देवधा पंचायत घर रजबरिया, पिता के नाम मनोज रजवंशी, मेरा नाम रिश्ता कुमारी। मैं अपना मर्जी से शादी किया हूँ, मेरा घर वाले की कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुनंदपुर पंचायत के रहने वाला हूँ, मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, पिता का नाम कृष्ण राम हुआ, घर थालपोस हुआ। मैं अपनी मर्जी से शादी किया हूं, तो लड़की के घर से तलब के कोई तरफ के हमको दिक्कत नहीं है, ना मेरी तरफ मेरे घर की तरफ से कोई दिक्कत है, बट इसका गांव के तरफ से दिक्कत है। इसका गांव वाला दो सब लोग मिलके बोलता है दोनों को मार देंगे, काट देंगे, गांव आएगा तो काट के बिक देंगे। मेरे घर वालों को इसका गाँव वाला सब तबाह करता है, मारता है, मारने की धमकी देता है, मेरे भैया को मारा है, इसलिए हम चाहते